हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन हेल्थ ब्यूटी इन यू। शादी सबकी जिंदगी का एक ऐसा पल होता है, अनमोल पल, जिसको बिताने के लिए सब अपना जी जान लगा देते हैं। उसमें आपको खूबसूरत अट्रैक्टिव दिखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। दूल्हा दुल्हन पे ही सबकी निगाहें रहती है, आप ही सब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं। तो लड़कियां तो अपने खुद को मेंटेन रखती है, पर लड़के लोग खुद को इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो आज मैं मेरा वीडियो खास ग्रूम के लिए, दूल्हे लोग के लिए लेके आई हूँ। को आपको भी कैसे फिट रहना है, आपकी दुल्हन के साथ आपको मैच करना है, हैंडसम और अट्रैक्टिव दिखना है आपकी शादी में। मैं तो बोलूँ सिर्फ दुल्हाई की बारौती को भी अच्छा दिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे इंडियन मैरिजेस में क्या होता है, दूल्हा दुल्हन की शादी तो होती है, साथ साथ दूसरे परिवार इकट्ठा होते हैं, तो एक दूसरे की लड़की लड़कियों को भी इसमें दिखाते हैं और शादी फिक्स होती है। तो आपको सबको अच्छा दिखना है, अट्रैक्टिव रहना है, तो मेरा वीडियो पूरा देखना। और जो नए हैं, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज 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 मुझे सब्सक्राइब भी कर देना। चलो हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका फिटनेस मंत्र है कि आपको वंडर वाटर पीना है। टेंशन मत लीजिए, वंडर वाटर मतलब आपको गर्म नींबू पानी पीना है। गरम मतलब बहुत गरम नहीं करना है, बस हल्का सा करना है। इसमें आधा कट किया हुआ नींबू डालकर डालना है और हनी एक चम्मच डालना है। ये सबको मिला के आपको पी जाना है। हाँ, पर उसको ब्रश करने से पहले पीना है। जैसे ही उठते हैं उसको आपको ये बना के पीना है। ये पीने के आपको दो फायदे है। फर्स्ट तो है कि ये आपको बॉडी में से आपको टॉक्सिक निकालता है, जिससे आप हेल्दी रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेगी और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, साथ ही आप वेट भी आपका मेंटेन में रहेगा। ओके फ्रेंड्स, ऐसे जनरली तो क्या होता है, हम तीन बार खाना खाते हैं, राइट, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। पर ये तीनों में बहुत ही अंतर होता है। तो ये बीच बीच में जब हमें भूख लगती है तो कुछ भी हम जंक फूड या फिर तला हुआ कुछ भी खा पी लेते हैं। तो इससे पर ये मिस्टेक अभी आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ये सब करते हैं तो आपका वजन भी बढ़ सकता है या फिर आपको स्किन में पिंपल्स भी आ सकते हैं। तो ये सब नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो आप तीन बार खाते थे अभी आपको छह बार खाना है। हाँ, स्मॉल स्मॉल अमाउंट में, क्योंकि देखिए जब भी आप लंच करेंगे और लंच के बाद जब भी आप इवनिंग स्नैक्स में कुछ भी अच्छा हेल्दी इवनिंग स्नैक्स ले लेंगे तो आपको डिनर तक ज्यादा भूख नहीं लगेगी, तो तभी आप कम खाएंगे। तो ऐसे आपको मील्स को डिवाइड करना है। तो पर मेंस में ऐसा नहीं है कि आपको जंक फूड खाना है। आपको क्या खाना है, फ्रेश वेजिस खानी है, सलाद स्प्राउट्स बना के खाना है, ऐसे सब हेल्दी खाना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा चार्ट बना के दूंगी, तो डेफिनेटली उसको फॉलो करें, वो हिसाब से आप खा सकते हैं। अभी थर्ड है कि आपको चाय और कॉफी बहुत ही कम पीनी है, क्योंकि मुझे पता है इसकी बहुत जनों को बहुत आदत होती है, पर ये टाइम है अभी आपको उस पर कंट्रोल करना है, क्योंकि ये सब चीजें अपनी स्किन को डल करती है। उसके अल्टरनेट में आप कोकोनट वाटर पी सकते हैं, नारियल पानी या फिर फ्रेश जूस बना के पी ले, फिर ग्रीन टी भी पी सकते हैं। ये सब चीजें आपकी स्किन ग्लो करेगी, अच्छी रहेगी। यस, दुल्हन को ही नहीं, आपको भी स्पा और सैलून में जाना चाहिए। सैलून में जाके आप आपका हेयर कट करा दे, शेव करा दे, ब्लीच क्रीम ये सब कराए और शादी के एक वीक पहले करा दे। और साथ ही आपको स्पा ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए। मेरे हिसाब से स्पा ट्रीटमेंट बहुत ही बढ़िया है, इससे आप रिलैक्स फील करेंगे, रिफ्रेश फील करेंगे। अगर आपका वजन ज्यादा है थोड़ा, तो आपको शादी के पहले आपको ये कम करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगेगा। आपके पास टाइम है, आप कुछ साइकिलिंग कर ले, रनिंग कर ले या फिर जुम्बा डांस कर ले, कुछ भी करिए, पर करिए और आपका वेट मेंटेन करिए। तो अगर आपके लाइफ पार्टनर भी अगर हेल्थ कॉन्शियस है तो उनको भी बोले ज्वाइन करने के लिए। आप दोनों साथ में जिम जाइए, साथ में वर्कआउट करिए। इसके दो फायदे हैं। फर्स्ट तो क्या होगा, आप साथ में जिम करेंगे तो आपका दोनों ही आप फिट और हेल्दी रहेंगे, और सेकेंडली आपको ऐसे मिलने का मौका मिलेगा। शादी के पहले ये जो छोटी छोटी मीटिंग रहती है ना, वो ज्यादा रोमांटिक होती है, तो ये सब मौका ना छोड़े। यस, आपको ज्यादा एक्साइटमेंट में नहीं आना है कि मैं एकदम इतना वर्कआउट हैवीली वर्कआउट कर लूँ कि फिर मैं सलमान खान जैसे दिखने लगूंगा। ऐसा कुछ भी आपको मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा कुछ करने में आप इंजर्ड भी हो सकते हैं, तो ये बात का ध्यान रखना है। आपको नॉर्मल वर्कआउट करना है, जिससे आपका वेट मेंटेन रहे, बढ़े नहीं। यस, आपको अच्छी नींद लेनी है। मुझे पता है कि शादी के घरों में बहुत ही काम काज रहता है, पर आपको खुद के लिए टाइम निकालना है। 7 से 8 घंटे की नींद तो लेनी ही है। इससे क्या होगा, आपके बॉडी में जो आपके हॉर्मोन्स है वो बैलेंस में रहेंगे, जिससे आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। लास्टली, मैंने जो ये सब बताया है आपको फोर्सफुली नहीं करना है, ये सब खुशी से करिए, अच्छे से करिए, खुश रहिए।
अब खुश रहना बहुत जरूरी है, आप खुश रहेगी तो आपके चेहरे पे वो दिखेगा। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। जो भी अभी शादी जिनकी आने वाली है, अगर ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे तरफ से कंग्रेचुलेशन आपको। तो मेरा वीडियो लाइक कर देना, अगर अच्छा लगा है तो शेयर कर दीजिए सबके साथ, और नए हैं तो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलो बाय।